सर, एक नया केस आया है। तो फिर इसमें कौन सी नई बात है? पुराना केस बंद होगा तो नया तो आएगा ही। तो अरे सर, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था? सर, पोचिंग की में एक के बाद एक किल्स हो रहे हैं, पर किलर एक टैटू सा बना देता है क्रेट के पास में। टैटू बना देता है? जी सर, एंड लोगों का मानना है कि वो उसका सिग्नेचर भी हो सकता है। यानी कि वो किलर किल करके अपना सिग्नेचर बना देता है। सर, ये कुछ फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस हैं जो हमने बनाई हैं, देखिए। लाश के पास जो निशान है, वही निशान सभी क्रेट के पास मिलता है। इसमें देखिए सर, यहाँ छत पर ही मार दिया एक बंदे को, और साथ में वही टैटू या निशान भी है। इसमें सर, बंदा एयर ड्रॉप लूट रहा था, उसको वहीं पर मार दिया और टैटू भी बना है। मुझे इन सब की रिपोर्ट चाहिए जो मरे हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। जी सर। आखिर क्या गलती थी इन 3 लोगों की जो इनको इतनी बेरहमी से मार दिया गया? और क्या रहस्य है इस टैटू बनाने वाले का जो लोगों को मारकर उनके पास टैटू बना देता है? खैर, ये तो पता चल ही जाएगा। वीडियो में बने रहो। अगर आप एक लाइक भी कर दोगे तो ये चोर जल्दी से पकड़ा जाएगा। बने रहिए ग्लॉक गेमिंग चैनल के साथ। मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में। सर, रिपोर्ट तैयार है। हाँ, बताओ फिर क्या नया पता चला केस के बारे में? सर, अभी तक जिन तीनों को मारा गया है ना, उन तीनों के पास ग्लेशियर M416 की स्किन मिली है। अच्छा, इसका मतलब ये कातिल स्किन वाले बंदों को मार रहा है। नहीं सर, और भी पता चला है। वो सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्या पता चला है? सर, हमें छानबीन से ये पता चला है कि ये तीनों एयर ड्रॉप लूट कर Level 3 के लूट लोगों को बेचते थे। अच्छा ऐसा, पर उसका किलर से क्या मेल? कुछ तो गबड़प है दया, कुछ तो गबड़प है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कभी कभी मैं गलती इधर उधर निकल जाता हूँ। एक काम करो, ऐसे टैटू बनाने वालों के पास चलो, वहीं कुछ बता सकते हैं इनके बारे में। जी सर, हमने उसका भी एड्रेस निकलवा कर रखा है। चलिए चलते हैं। सर, वो देखिए, वो लड़की आपको बुला रही है। हवलदार, तेरे को पता नहीं? क्या सर? बुलाती है मगर जाने का नहीं। हमको जाना है, पर साला कोई बुलाता ही नहीं। उधर वो साइलेंट किलर या कह लो टैटू वाले कातिल का कुछ पता ही नहीं चल रहा था और पुलिस मिम्स बनाने में उलझी थी। खैर जाने दो, आखिर में पुलिस पकड़ ही लेगी कैसे भी करके। पर उसी दिन जिस टैटू वाले के पास पुलिस जा रही थी वो भी मरा हुआ मिलता है, तो क्या रहस्य है इसके पीछे का? देखिए और साथ में हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। सर, ये तो वही टैटू बनाने वाला है। इस बेचारे को भी मार दिया, पर ये तो कोई ड्रॉप लूटने वाला लगता नहीं है। शायद कातिल को हमारी चाल का पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब क्या करें सर, ऐसे तो वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर, वो देखो, उस गाड़ी पर भी वही टैटू बना हुआ है। हो सकता है ये कार उसी की हो, वैसे कार तो महंगी लग रही है। अरे कहाँ महंगी सर, अभी अभी तो पबजी में ऑफर आया है, 400-500 यूसी में परमानेंट मिल रही थी। उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी है तो हो सकता है वो किलर भी यहीं कहीं आसपास हो। ढूंढो ढूंढो, यहीं कहीं छुप कर बैठा होगा वो। पर ध्यान से, कहीं तुम्हारी क्रेट पर टैटू ना मिले मुझको। हाँ, ये मुझको फुटस्टेप्स मिल रहे हैं। ध्यान से, वो यहीं ऊपर छत पर छिप कर बैठा होगा। सर, ऊपर चलें? हाँ चलो, पर पहले तुम। हैंड्स अप, नहीं तो मार देंगे। हाँ मार दो, थोड़ी देर बाद वैसे भी मैं मर जाऊंगा। वो टैटू किलर मार देगा मुझको। क्या क्या?
कहना क्या चाहते हो, तुम किलर नहीं हो? मैं तो आराम से पबजी क्रेट ओपनिंग कर रहा था, एकदम पूरे रूम में धुआं धुआं सा हो गया और एक टैटू दीवार पर आ गया पता नहीं कैसे, और एक आवाज आई कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। पर तुमको क्यों मारने वाला वो? मुझको नहीं पता, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अपनी ग्लेशियर M416 को अपग्रेड कर रहा था। तुम टेंशन मत लो, तुमको कुछ नहीं होगा, हम यहीं पर छुप कर बैठ जाते हैं, तुम आराम से बैठो यहाँ पर, वो किलर यहाँ पर आएगा तो हम पकड़ लेंगे उसको। सर धुआं धुआं हो गया फिर से। ओह माय गॉड, ये भी मर गया। पर किलर कहाँ भागा इतनी जल्दी? पकड़ो वालदार, जल्दी जल्दी पकड़ो उसको, कहीं वो भाग ना जाए। सर वो देखिए छत पर, हवलदार जल्दी पीछा करो उसका। ऐसे नहीं पकड़ पाओगे मुझको। अच्छा बेटा, हवलदार जरा लाइयो अपना जादू वाला तीर कमान, देखूं इसको। ले बेटे, ओशियन से कम नहीं हूं मैं तीर कमान चलाने में, ट्यूशन लेता हुआ मेरे से। अब बोल क्यों मारा तूने उन सभी को, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? बिगाड़ा? जिस जिसको मैंने मारा ना, उन सबके पास क्रेट ओपनिंग में ग्लेशियर M416 निकल गई, पर मैंने 2,00,000 UC की क्रेट ओपनिंग की, पर मुझको M416 तो दूर, पिस्टल तक की स्किन नहीं मिली। तब से मैंने प्रण ले लिया, जिसके पास भी ग्लेशियर M416 मिलेगी ना, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। पर तेरे पास ग्लेशियर M416 नहीं है तो AKM ले लेता। पागल हो क्या सर, उसका रिकॉइल कंट्रोल नहीं होता मुझसे। अच्छा बेटा चल, अब जेल में करवाएंगे तुमसे क्रेट ओपनिंग, फांसी का ऑर्डर आने तक। सर ऐसा मत करो प्लीज, सर प्लीज। प्लीज से कुछ नहीं होगा, 5-5 किल किए तूने। सर मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो फिर। हाँ बोल। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो @GlowGamingYT, अगर वीडियो जमाना चाहते हो तो वहाँ पे मैसेज कर देना। हाँ हाँ कर देंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चल तू अब। तो देखा आपने, पुलिस ने आखिर उसको पकड़ ही लिया। आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मजे लीजिए, पर ज्यादा नहीं। पबजी क्रेट की नई नई चीजें बुलाएगी, पर जाने का नहीं। अपने आसपास भी ये सूचना दे ताकि कोई इसका शिकार ना हो। I'm rich.